फिर असुर भागने लगा। हम छह भाइयों ने ऐसे रस्सी फेंकी और यूं दम लगाया और फिर हमने उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। भैया अब यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ देखो पुष्कर और उसके सभी भाई सारी प्रशंसा बटोर रहे हैं। किसी को हमारे पराक्रम की कोई जानकारी ही नहीं होगी। कोई बात नहीं कुश, ठीक है, किंतु आप किन विचारों में खोए हुए हो? एक विचित्र सा आभास है कुश, जब कभी कोई भी अयोध्या से इस आश्रम में आता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो। अब शत्रुघ्न जी के इस अश्व को ही ले लो, इसे देखकर भी ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे जैसे मेरा कोई अपना हो। हाँ भैया, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि माँ भी यही अनुभव करती है। कितनी प्रसन्न दिख रही थी वो। उर्मिला मांडवी और शुद्ध कीर्ति अपना दायित्व ठीक से तो निभा रही है ना? हाँ माँ, किंतु ऐसा क्यों पूछा आपने? तुम ये साधारण सा भोजन इतने चाव से खा रहे हो ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं। आपके हाथों से बने भोजन का स्वाद किसी भी राजमहल के रसोई के स्वाद को फीका कर सकता है माँ। 14 वर्षों तक इस स्वाद से वंचित रहा हूं तो आज अधिक भूख लग गई। रहने दो। नहीं माँ, ये आश्रम है, यहाँ आने वाले अपनी थाली स्वयं उठाते हैं। जो नियम बालकों पर लागू होते हैं उसे मुझे भी मानना चाहिए। तुमने सबके विषय में सब कुछ बताया सिवाय लक्ष्मण की। वो कैसे है? वो भैया राम और घर के अन्य सदस्यों के लिए केवल सेनापति लक्ष्मण बनकर रह गए मां। एक कर्मठ और निष्ठावान सेनापति जो राजा राम के प्रत्येक आदेश का पालन करते हैं, किंतु ना वो किसी के भाई है और ना ही किसी के पति। सभी संबंधों पर से उनका विश्वास उठ गया है माँ। आपके जाने से वो रुष्ट है सबसे। ये उचित नहीं। बात केवल लक्ष्मण भैया की नहीं है माँ, आपके जाने के पश्चात घर में कुछ भी पहले जैसा शेष नहीं रहा। घर लौट चलिए माँ, लव कुश के साथ अपने घर। राज परिवार से होकर भी आप तीनों ने कितना कष्ट सहा, और लव कुश माँ वो तो अपनी पहचान से भी वंचित है और अब तो अपर प्रश्न उठाने वाला भी कोई नहीं। श्री राम ने देवी सीता को स्वयं से अलग क्यों किया? अवश्य उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे हमारे ज्येष्ठ पिताश्री को लज्जित होना पड़ा। नहीं शत्रुघ्न, प्रश्नों की ज्वाला आज भी उज्ज्वलित है जिसके कारण मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो कारण आज भी सर उठाए खड़ा है। हमारी लड़ाई अभी और चलेगी क्योंकि जो प्रश्न श्री राम और मेरे संबंध पर
सीता के चरित्र पर दूसरों ने उठाए थे, आज वही प्रश्न हमारे कुल के बच्चे उठा रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं माँ? माँ शत्रुघ्न, पुष्कर और उसके भाई लवकुश और मैं भी इन्हीं प्रश्नों के भंवर में उलझे हुए। आप मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए माँ। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, परंतु उससे पूर्व तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम लवकुश को नहीं बताओगे कि तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। ठीक है माँ, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। पिताश्री, इस गुरुकुल का एक अंग कहानी है। मैं यहाँ आने वाला या तो कुछ सीखता है या सिखाता है, और आप तो परम ज्ञानी है ना, तो आप हमें समझाएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे। और जानना हमें उनके विषय में है जिसका नाम लवनासुर ने श्री राम के साथ जोड़ा था। किस विषय में जानना चाहते हो तुम? रावण कौन था? रावण वो श्री राम के जीवन के साथ कैसे जुड़ा, हम सब उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। अब जब तुम दोनों इस विषय में जानना ही चाहते हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? कुछ तो है तुम दोनों में लवकुश, क्योंकि जो भी तुमसे मिलता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है, विशेषकर हमारे परिवार के लोग। क्या बात है पुष्कर, तुम्हारे स्वर में व्यथा स्पष्ट हो रही है। हाँ काकाश्री, जब से हम इस आश्रम में आए हैं एक बात है जिससे मैं ही नहीं हम सब व्यथित हैं। हमें यहाँ आकर आभास हुआ कि हम अपने परिवार के विषय में कितना कम जानते हैं। केवल रावण ही नहीं, देवी सीता और श्री राम के संबंध के विषय में भी कुछ नहीं जानते। हाँ पिताश्री, पुष्कर भैया सत्य कह रहे हैं। क्यों हमें कभी यह नहीं बताया गया कि कोई देवी सीता थी जिनका बड़े पिताश्री के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। सूचना अमृत है तो विष भी, यदि उचित पात्र को मिले तो अमृत। और अनुचित पात्र को मिले तो विष। तुम सबको ये सब इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि संबंधों की जटिलता को समझने के लिए तुम सब बहुत छोटे थे। भैया श्री राम और देवी सीता के संबंध को समझने के लिए ना तो तुम्हारे पास विवेक था और ना ही गहराई। कदाचित इसीलिए तुम सबको यहां भेजा, घर से दूर। मैं जानता हूं कि तुम सब जानना चाहते हो कि भैया श्री राम और देवी सीता पहली बार कैसे मिले थे और कैसे रावण उनकी पहली भेंट और वियोग का मुख्य कारण बना। हाँ हाँ, हमें जानना है। अब तक श्री राम की जीवन यात्रा के संबंध में हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया था। तो फिर तुम लोग देवी सीता और भैया राम के मिलन के प्रसंग के बहुत निकट पहुंच चुके हो, और शीघ्र ही तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि रावण कौन था।
ताड़का का वध करके भैया श्री राम और लक्ष्मण ने सभी ऋषि मुनियों का आदर और आशीर्वाद अर्जित कर लिया था और वहां से दूर मिथिला में महाराजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह की तैयारियां कर रहे थे और उन्होंने समस्त ऋषियों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। जब ऋषि विश्वामित्र को महाराजा जनक का निमंत्रण मिला, उन्होंने उसी क्षण भैया श्री राम को भी स्वयंवर में ले जाने का निर्णय ले लिया। विश्वामित्र परम ज्ञानी और दिव्य दृष्टि के स्वामी थे, तो उन्हें आभास था कि भैया श्री राम और देवी सीता के संबंध में वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले हैं। परंतु जहां नियति भैया श्री राम और देवी सीता का मिलन चाहती थी, वहीं था वो जो उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था, उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती था, लंकापति रावण। हे राजन, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का भव्य आयोजन करवाया है, जिसमें देश के वीर और पराक्रमी योद्धाओं को आमंत्रित किया है, किंतु उन्होंने लंका को इस योग्य नहीं समझा और आपको आमंत्रण नहीं भेजा गया है दशानन।